ंग टू स्टार्ट द ऑर्थोपेडिक सर्जरी हमने जी आई टी सर्जरी कम्प्लीट कर ली थी उसमें जस्ट हर्निया की सर्जरी रह गई थी वो इनशाला आई विल द कमिंग वीक और नेक्स्ट इनशाला और इसके अलावा यूरोलॉजी uh, हमने स्टार्ट की हुई थी वो भी मैं आफ्टर कवरिंग दफ्रॉलॉजी मेडिसिन उसको कवर करूँगी और इवेंडिंग जो सर्जरी होगी ठीक है उसके बाद uh, पीड्स की हम यू डिस्कस करेंगे जस्ट और अगर टाइम मिला इनशाला और आफ्टर आ, इन द जनवरी इनशाला बिफोर प्रॉफ आई विल कवर द जनरल सर्जरी इनशाला तो अभी हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं मेजर को स्टार्ट करने से पहले हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ये टर्म्स यूज होंगी तो हमें तब समझ नहीं आएगी ठीक है इसके अलावा आपसे वाइवा में भी ये टर्म्स पूछ सकते हैं या ऑसपी के अंदर आपसे कोई भी टर्म पूछ सकते हैं तो यू शुड नो अबाउट दिस ठीक है लाइक वाइवा क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन होगा कि वॉट इज़ फ्रैक्चर वैसे तो आपको पता है कि फ्रैक्चर क्या होता है बट हाउ विल यू गिव अ डेफिनेशन टू दैट प्रोफेसर तो दैट इज़ द थिंग तो फ्रैक्चर क्या होता है फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कंटीन्यूटी ऑफ द बोन कि बोन की जो कंटीन्यूटी है उसमें अगर ब्रेक आ जाए तो डैट इज़ फ्रैक्चर फिर आती है डिसोकेशन डिसोकेशन क्या होती है कि एक जो दो बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रही होती हैं अगर वो जॉइंट के अंदर जो रिलेशनशिप बन रहा है अगर वो ख़त्म हो जाए ठीक है मतलब मुझे आर्टिकुलर सर्विसिज़ होती है ना एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ एक उनकी आर्टिकुलर सर्विसेज़ होती हैं एक कॉन्टैक्ट होता है उनका आपको पता है उसके गिर्द हमारी एक पूरी सनोवियल शीत होती है मेम्ब्रेन होती है लिगामेंट्स होते हैं टेंडन्स होते हैं जो कि उन दोनों जॉइंट्स को जो है ना होल्ड करके उन्होंने सॉरी दोनों बोन्स को जो है ना वहाँ पे एक जॉइंट बनाया होता है तो अगर कंप्लीट डिसरप्शन हो जाए पूरी की तरह पूरी की पूरी की तरह वो जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप है दो बोन, बोन्स का जो जॉइंट बना रहे हैं पूरे वो डिसरप्ट हो जाए ना तो उसको कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ डिसलोकेशन हो गई है ठीक है तो ये चीज़ आ जाती है कि कंप्लीट डिसरप्शन इन द नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ टू बोन्स जॉइंट फॉर्मिंग अ जॉइंट के जो दो बोन्स जॉइंट बना रही हैं उनके नॉर्मल रिलेशनशिप में कंप्लीट कंप्लीट डिसरप्शन हो गई है दिस इज़ नोन एज डिसलोकेशन फिर आता है डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन मैं आपको इस तरह से बताऊं जैसे आप लोग बैठे होते हो लेक्चर ले रहे हो लेक्चर ले रहे हो क्लास में और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो कहीं और खो गए हो बट यू आर स्टिल देयर अपनी पोजीशन पे ही वो अपनी हो अपनी जगह पे बैठे हुए हो तो इट is एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन is सेपरेशन ऑफ ज्वाइंट surfaces विद नो no dislocation और ligament rupture ठीक है कि वो डिसलोकेट नहीं हुई मतलब वो जो नॉर्मल रिलेशनशिप है वो भी ख़राब नहीं हुआ लेकिन जॉइंट सर्फसेज जो है वो सेपरेट हो गई हैं ठीक है हिल गई हैं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली ठीक है कोई लिगामेंट रप्चर नहीं किया ज्वाइंट सर्फसेज सेपरेट हो गई हैं बट देर इज़ नो डिसोकेशन कि बोन अपनी जगह पर ही है बट देर इज सेपरेशन ऑफ ज्वाइंट सर्फिस ठीक है फिर आता है सब्लगजेशन सब्लगजेशन क्या होता है कि पूरी की तरह पूरी की पूरी तरह जो है ना डिसलोकेट नहीं हुई अपनी जगह से नहीं हिली लेकिन थोड़ी सी हिली है पार्शल डिसलोकेशन है तो दिस इज नोन एज सब्लगजेशन स्प्रेन क्या होता है स्प्रेन में आपको इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लड़की थी और वो जा रही थी सड़क पे और गिर गई तो उसको ना उसका पाँव मुड़ गया ऐसे समझो ना पाँव मुड़ गया तो उसके जॉइंट थोड़ा हिल गया ना तो उसने वो गई वहाँ पे जो भी वो होते हैं उसके ऊपर उन्होंने पट्टी शट्टी की और उसको घर भेज दिया और उसको दवाई शवाई लगाई दर्द की और उसको कहा कि इसको खुद बहुद अपनी जगह पे ठीक हो जाएगा ये ठीक है कोई हाँ, कोई कुछ भी नहीं किया हमने बस ऊपर एक पट्टी लगा दिया प्लास्टर लगा दिया तो हुआ क्या कि वो खुद ब खुद अपनी जगह पे वापस आ जाएगा ठीक है तो स्प्रेन इज़ टेम्प्रेरी सबलगजेशन ऑफ जॉइंट एन आर्टिकुलर सर्फिस रिटर्न टू नॉर्मल अलाइनमेंट तो टेम्प्रेरी तो सबलगजेशन अगर हो ना कि पार्शल डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो रही है लेकिन वो टेम्प्रेरी है और खुद ब खुद वो आर्टिकुलर सर्फिस जो है वो नॉर्मल अलाइनमेंट में वापस आ जाती है तो दिस इज स्प्रेन ठीक है फिर आता है स्ट्रेन स्ट्रेन इज जस्ट के मसल के अंडर टियर आ गया उसको हम स्ट्रेन कहते हैं अब वी हैव टू टर्म्स वेलगस एंड वेरस ठीक है जीनू जो होता है जीनू को हम वेलगस के साथ लगाते हैं जीनू को हम बेरम के साथ लगाते हैं जीनू इज अ लेटन वर्ड विच इज यूज फॉर नी जॉइंट तो ये हमारी जो है ये इसकी टर्म्स हैं इसकी जो है फिगर्स हैं देखिए नॉर्मल इस तरह से बंदा खड़ा है जीनू वेलगम में क्या होगा इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है गम ठीक है गम क्या होती है चिपकने वाली होती है ना तो इसमें जो नीज़ होंगी ना वो एक दूसरे के साथ चिपकी होंगी ठीक है नी जॉइंट एक दूसरे के साथ चिपकी होंगे तो इसको कहेंगे जीनू ठीक है तो ये है कि वेन द डिजल पार्ट ऑफ लिम्ब और डिफॉर्मिटी इज़ अवे फ्रॉम मिड लाइन मतलब टांगे जो है डिस्टल पार्ट है ना लिम्ब की तो वो जो है ना वो अवे है मिड लाइन से तो इसको कहेंगे बेलगस और नी ज्वाइंट एक दूसरे के साथ है दिस इज़ वेलगस ठीक है लेकिन वैरम जो है इसके ऑपोजिट है इसको हम बोर्ड लेग भी कहते हैं जो आपको पता है रैकेट्स में होता है तो ये जो है ना इसमें क्या होगा कि नी ज्वाइंट सेपरेटिड है ठीक है लेकिन डिस्टल जो है वो डिस्टल जो लिम्स है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन है तो दिस इज़ जीनू वैरम ठीक है तो यहाँ पे इसकी टर्म्स लिखी हुई है डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम और डिफॉर्मिटी इज अवे फ्रॉम मिड लाइन दिस इज़ वेलगस एंड इफ़ टूवर्ड्स द मिड लाइन इट इज़ वेरस तो नी जॉइंट की बेसिस पे आपने गम का वर्ड याद रखना है नी जॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े तो, होंगे तो वेलगम सेपरेटेड होंगे तो वैरम लेकिन लेकिन जो डेफिनेशन है उसमें आपने डिजिटल लिम को यूज़ करना है ठीक है फिर केवस क्या होता है केवस में आपको अगर बताऊँ कि लॉन्गिट्यूडल आर्च ऑफ फुट होती है एक ठीक है मतलब कि आपको पता है ना कि पाँव जो होता है उसके आगे टोज़ होती हैं और पीछे हील होती है तो टोज़ और हील के दरमियान में एक नीचे की तरफ प्लांटर सरफेस पे एक आर्च बनती है ठीक है तो ये आर्च होती है तो अब ना हमारा इसका फ़ायदा क्या होता है देखें अल्लाह इसलिए रखा हो कि जब हम खड़े हो हम वॉक करें हम भागें तो ये जो हमारा सारा वेट है ना वो कौन बियर करे हमारी ये टोज और हील्स तो एक ऐसा बंदा है जिसकी लॉन्गटूनल आर्च जो है फुट की वो एक्सेसिव है नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं केवस मतलब ज़्यादा केव बन गई है तो दिस इज़ केवस ठीक है उसके बाद आती है इक्वाइंस इक्वाइंस सिंपली ये होता है देखें कि दिस इज दिन शिन होती है ना ये आगे की तरफ जो शिन होती है और ये पाऊँ है तो जो है ना इनके दरमियान में नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है ना नॉर्मल पर्सन में लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो अपने नाइन्टी डिग्री के एंगल पर नहीं चलता वो ना अपने टोज़ के ऊपर चल रहा होता है तो ये जो है ना थिंग इसको कहेंगे कि जिसमें अगर वो टोज़ के ऊपर चल रहा होगा तो क्या होगा प्लान्टफ्लेक्शन हुई होगी ना तो इसको कहेंगे कि वो अपने टोज पे चल रहा है ना तो इसको कहेंगे एकवाइंस ठीक है प्लान फ्लैक्शन पोजिशन ऑफ द एंकल फिर वी हैव का अब आ, इनको ना आपने समझने के लिए ना आपने अपनी पोजीशन उस तरह से बनानी होती है ठीक है वेलगर्स और वेरस को भी अपनी टाँगों को आपने एक दफ़ा करके देखना उससे ज़्यादा अच्छा याद होता है और के लिए भी एक्सेसिव लॉन्गे आर जो आपने करके रखनी है क्वाइंस के लिए आपने प्लांटर फ्लेक्शन करके देखना है कि आप अपने टोज पे जा रहे हो इस तरह से याद रहेगा कई फोसेस जो है ना इसको याद करने का तरीका है कुब ठीक है जैसे कुब निकली होती है न कुछ लोगों की कमर ऐसे हो जाती है ठीक है ये सार होता है उनका कमर ऐसे हो जाती है तो ये जो बाहर कुब निकला हुआ है ना इसे आपने याद रखना है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन हो जाएगी द नीज़ हिज नीज़ ठीक है आगे की तरफ चला जाता है हंच बैक कर जाता है जैसे आपने एक ड्रामा देखा होगा मेरा सुल्तान उसमें हुरम का जो एक बेटा होता है ना उसको भी होती है ये काइफोसिस और वो उसकी कमरी बाय बर्थ उसकी ऐसे होती है लेकिन दिस इज़ फॉरवर्ड फ्लैक्शन काइफोसिस ठीक है लॉर्डोसिस ना ऐसे समझ में कि लॉर्ड मतलब ग्रूर बन के मतलब वो जैसे नहीं होता पहलवान होते हैं उनकी वो सीना बाहर तान के चलते हैं ठीक है उस तरह याद करें उसमें क्या होगा जब वो सीना तानेंगे तो उनकी जो पीछे कमर होगी ना वो ऐसे हो जाएगी मतलब इसकी खाइफोसिस के ऑपोजिट है बेंट ओवर बैकवर्ड्स ठीक है इसमें आपने क्या करना है अपने सीना तान के देखना आपके आपकी जो कमर होगी ना वो ऐसी हो जाएगी कि कर्व ज़्यादा अंदर की तरफ होगा ठीक है तो ये होती है लॉडोसिस स्कोलियोसिस क्या होता है कि आपने ना इसको ऐसे करके याद करना है कि आपने ना एक साइड पे हो जाना है मतलब एक साइड पे अपनी कमर निकाल लेनी है तो जो साइड वर्ड होती है ना उसको कहते हैं कॉलियोसिस साइड वर्ड डिफॉर्मिटी ठीक हो गया फिर अगर मुझे इसकी इनकी पिक्चर्स मिलती है ना तो मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा दूँगी अदरवाइज़ ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा इन चीज़ों का अब आता है अनेटमी ऑफ लॉन्ग बोन तो आपको पता है ये ये हमारी जो है इस तरह से लॉन्ग बोन होती है तो इसकी ये जो एंड्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं एपिफिसिस ये जो इसकी लॉन्ग शाफ्ट होती है इसको हम कहते हैं डायफिसिस और एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान वाला जो रीजन होता है जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ दिस इज मेटाफिसिस ठीक है तो डायफिसिस क्या है सबसे पहले एपिफिसिस देखिए इन लार्ज टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन फर्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी जिसमें क्या होता है स्पंजी बोन होती है और आर्टिकुलेट कार्य होती है नेबरिंग बोन्स के साथ दिस इज एपिफिसिस डायफिसिस क्या है इलोंगेटेड हॉलो सेंट्रल पोर्शन जो बोन का होता है विच इज लोकेटेड बिट्वीन मैटाफिसिस इट इज़ द मेड ऑफ कंपैक्ट टिशू एंड इनकलोजिजम मेडिलरी कैिटी और मेटाफिसिस क्या होता है विच इज़ बिटवीन डायाफिसिस एंड ग्रोथ प्लेट या हम कह सकते हैं एपिफिसिस ग्रोथ प्लेट जो होती है ना ये आ, समझ लें कि ये हमारी जो है वो एपिफिसिस है ना तो एपिफिसिस और जो मेटाफेसिस uh, uh, metaph होती है ना उसके दरमियान वाला एक रीजन होता है ठीक है इसको कहेंगे ग्रोथ प्लेट ठीक है तो ग्रोथ प्लेट जो होती है इसमें न्यू बोन ऐड होती जाती है और आपको पता है कि जैसे जैसे बंदा बड़ा हो जाता है छोटा बच्चा बड़ा होता है तो ये ग्रोथ प्लेट ही होती है जिसमें न्यू सेल्स ऐड होते हैं और बोन की ग्रोथ होती है और बच्चे की हाइट बड़ी होती है ठीक है ये इन्होंने रेडमी भी बना के आपको दिखाई हुई है कि एपिफिसिस एंड्स हैं देखें और जो है वो मेटाफिसिस है और डायफिसिस है ठीक हो गया फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के लिए ये इन्होंने पिक्चर बहुत अच्छी एड की हुई है ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या है ये ट्रांसफर्स फ्रैक्चर है ट्रांसफर्स फ्रैक्चर सबसे पहले देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दिस वन दिस इज़ ट्रांसफर्स फ्रैक्चर फ्रैक्चर इज़ एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन लॉन्ग एक्सिस ये है बोन की तो इसके राइट एंगल फ्रैक्चर होगा नाइन्टी डिग्री पे दिस इज़ ट्रांसफर्स फ्रैक्चर ठीक है देन इज़ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो ये है ठीक है इसमें क्या होगा कि फ्रैक्चर जिस जगह पे हुआ है ना यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है ना ऐसे तो बोन जो है ऑपोजिट साइड पे बैंड कर गई है ठीक है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर फ्रैक्चर एट वन साइड ऑफ बोन कॉज इज बेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बोन ये बोन के फ्लैक्सीबल होने की वजह से यंग पीपल में होती है ऑब्वियसली बोन फ्लैक्सीबल है तो एक साइड पर बैंड किया है ना यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ बोन ऐसे बैंड हो गई दिस इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर फिर आता है स्पायरल फ्रैक्चर स्पायरल फ्रैक्चर क्या है कि बोन इज़ ट्विस्टेड बोन ट्विस्ट हो जाती है लॉन्ग से लॉन्ग एक्सिस ठीक है कि ऐसे करके फ्रैक्चर हो रहा है आगे से पीछे की तरफ ऐसे करके स्पायरल की फॉर्म में दिस इज़ स्पायरल फ्रैक्चर तो इफ़ द बोन इज़ ट्विस्टेड लॉन्ग एट्स लॉन्ग एक्सिस स्पायरल फ्रैक्चर अकर्स ठीक है ट्विस्ट हो गई है बोन मतलब मुड़ गई है ऐसे करके तो उसकी वजह से स्पायरल फ्रैक्चर होता है फिर बटरफ्लाई फ्रैक्चर को भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कम्युनि, कम्युनि कम्यु फ्रेक्षर। कम्युनिट कम्यू कमूटिड फ्रैक्चर कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है बोन के इतने पीसीज हो गए एक दो तीन चार तो जब बोन इतने ज़्यादा पीसीस में डिवाइड हो जाएगी इसको कहते हैं कम्यूनिटिड फ्रैक्चर फ्रैक्चर रिज़ल्ट इन थ्री और मोर बोन फ्रेगमेंट्स अब ये कब होगी एन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ डिजिबिटेड उन टू द बोन ठीक है मतलब ये कि मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ एक बंदा है उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है टांग के ऊपर से तो उसकी बोन जो है ना उस पर सही एनर्जी पड़ी है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई है फिर आता है कंप्रेशन फ्रैक्चर कंप्रेशन फ्रैक्चर मैं आपको अगर बताऊँ वैसे ये दो बॉडीज़ है ना वर्टिबल बॉडीज़ ठीक है फीमेल्स क्या होती हैं उनकी ना मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि उनकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं ना तो क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली बोन वीक हो गई है ठीक है तो अब ये वाली जो ऊपर वाली बोन होगी ना और नीचे वाली बोन होगी ये अगर स्ट्रॉग है और ये दरमियान वाली बोन वीक हो गई है तो ये क्या करेंगी ये जो दरमियान वाली बोन होगी इनको कंप्रेस कर देंगी तो जो इसके अंदर फ्रैक्चर होगा ना कंप्रेशन की वजह से उसको कहेंगे कंप्रेशन फ्रैक्चर ठीक है तो कंप्रेशन फ्रैक्चर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रैक्चर इन विच कैंसल बोन कोलेप्सिस एंड कम्प्रेसिज अपॉन इट्सैल्फ इफ दिस कॉमनली अगर टू वर्डिबल बॉडीज फॉलिंग ट्रामा टू द स्पाइन एंड मोस्टली इन द मीनो पॉज ऑफ वीक एंड बोन्स ठीक है फिर आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसमें ये होता है कि किसी को पहले से कोई डिजीज थी लाइक ऑस्ट्रीप्रोसिस रीनल फेलियर न्यो प्लाज्मा कोई भी आ, बोन की डिजीज़ थी उस डिज़ीज़ की वजह से क्या हुआ बोन की स्ट्रेंथ कम हो गई अब बोन की स्ट्रेंथ कम हुई हुई है अगर थोड़ा सा भी माइनर सा ट्रामा होगा माइनर सा फॉल होगा तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी ड्यू टू दैट पैथोलॉजी तो देट इज़ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसकी ये एग्जांपल नहीं लेंगे कि किसी को पैथोलॉजी थी और उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया नहीं या वो छत से नीचे गिर गया है तो उसको पहले से पैथोलॉजी पैथोलॉजी फ्रैक्चर नहीं माइनर माइनर ट्रामा लाइक एक पेशेंट है बॉडी सी ऑस्ट्रोप्रोसिस की और वो बस कहेगी कि डॉक्टर साहब मैं किचन में गिरी थी नीचे ज़मीन पे बस तो मुझे जो है ना कुर्सी से नीचे गिर गई थी तो मुझे मेरी हड्डी टूट गई है ठीक है सो दिस इज़ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर इसके नाम से पता चल रहा है क्लोज़ है हमें नज़र नहीं आ रहा मतलब इसकी इस कहानी ऐसी है कि एक बंदा है सड़क पे गिरा है ठीक है तो पेन हो गई पेन शुरू हो गई है उसको टांग के अंदर हमने देखा स्किन बिल्कुल इंटैक्ट है कोई मसला नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन वो पेशेंट पेन के साथ बहुत रो रहा है तो हम कहते हैं यार चलो हम इसका एक्सरे करवा के देख लेते हैं एक्सरे करवाया अंदर बोन टूटी हुई मिल गई हमें तो बाहर से तो लग ही नहीं था रहा कि वो उसको फ्रैक्चर हुआ हुआ है लेकिन जब हमने देखा खोल के एक्सरे किया फिर हमें नज़र आया तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज़ फ्रैक्चर्ड बट फ्रैक्चर इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इज स्किन ओवर द फ्रैक्चर बोन रिमेन्स इन टैक्ट ठीक है ओपन और कंपाउंड उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर फ्रैक्चर समझ आ रहा है नज़र आ रहा है मतलब इसमें आपने देखा होगा स्किन ऊपर से उतरी होती है फ्रैक्चर नज़र आ रहा होता है बोन्स टूटी हुई नज़र आ रही हैं सामने तो इफ़ द फ्रैक्चर कम्युनिकेट्स विद एक्सटीरियर इज स्किन ओवर द फ्रैक्चर साइड इज ब्रीच्ड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इनटू दैट सो एंटीबायोटिक्स एंड टेटनस प्रोफ्लैक्स नीडेड एंड बोन इज फिक्सेटर आफ्टर थॉर वॉश एंड डिब्राइटमेंट और आफ्टर क्लिनिंग बोन वो कहते हैं कि ये होता है ना कि वो सारी स्किन उतर गई है सारा कुछ बोन अंदर फ्रैक्चर नज़र आ रहा है पर इतना तो ब्लड इकट्ठा हुआ होगा इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट करते हैं डिब्राइट करते हैं तो बोन को क्लीन करते हैं ठीक है तो ये बात आ जाती है एक होता है बटरफ्लाई फ्रैक्चर ठीक है बटरफ्लाई फ्रैक्चर की यहाँ पे पिक्चर नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँ तो इस तरह का फ्रैक्चर होगा कि ये बोन है ना तो इसका जो पीस उतरेगा ना यहाँ से जब ये फ्रैक्चर हुआ है तो इसका जो पीस उतरेगा ना वो इस तरह से होगा कि मतलब ऐसे ट्रायंगल सा वेज सा ठीक है तो ये वेज शेप्ड होता है लेकिन इसको बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं जैसे बटरफ्लाई जब फूल के ऊपर बैठी होती है तो साइड से हमें ऐसी नजर आ रही होती है ना मतलब ओवरऑल इस तरह से बटरफ्लाई नहीं होगी साइड से जब हम देखेंगे ना तो फिर हमें इस तरह की नज़र आएगी ठीक है मतलब ऐसे करके तो ये जो ऐसे करके फ्रैक्चर हमें नज़र आ रहा होता है बोन का टुकड़ा उतर के लगा होता है दिस इज बटरफ्लाई फ्रैक्चर वेज शेप फ्रैक्चर राइजिंग फ्रॉम शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन एट द एपिक्स ऑफ द फोर्स इनपुट ठीक हो गया So ये हमारा एक पेज uh, हमने डिस्कस किया है ऑर्थोपैडिक सर्जरी का जिनमें हमने जनरल प्रिंसिपल्स देखे हैं इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ फ्रैक्चर व्हाट इज डिसलोकेशन व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन व्हाट इज़ सबलगजेशन व्हाट इज़ प्रेन व्हाट इज स्ट्रेन वेलगस वेरस केवस एक लर्डोसिस कॉलियोसिस एपिफिसिस डायाफिसिस मेटाफिसिस ग्रोथ प्लेट एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसफर्स फ्रैक्चर आपको क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के नाम भी आने चाहिए ट्रांसफर्स फ्रैक्चर मैं बोलती जा रही हूँ साथ साथ आपने अपने माइंड में लेके आते जानी है डेफिनेशन ठीक है ट्रांसफर्स फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर स्पायरल फ्रैक्चर बटरफ्लाई फ्रैक्चर कम्यूनिट कम्यम्यूनोट मुझसे पढ़ा नहीं जाता कम्यूनोट कम्यूट फ्रैक्चर कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर Pathological fracture, close or simple fracture, open or compound fractures. So, this is all about the general principles of orthopedic surgery.